Times Media. सेवा और सम्मान की बात जब हम करते हैं, एक नाम आता है, प्रगति शंकर। आज हम मिलते हैं प्रगति शंकर से और जानेंगे कि वो अपने जीवन में क्या क्या और किस किस तरह के कार्यक्रम को करने वाली। प्रगति जी, आप समाज सेवा कर रही हैं, इसके लिए सबसे बड़ा आपको ये पावर कहाँ से मिलता है? सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई भी हमारा बड़ा काम नहीं, ये तो मेरा एक छोटा छोटा प्रयास है। जो हम लोग कहते हैं कि समाज में जो अंतिम वर्ग तक व्यक्ति है, उन तक हम जो सरकारी योजनाएं हैं या जो लाभ हैं या जो भी उनके लिए जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं, हम थोड़ी बहुत उसके लिए पूरे कर सकें। और जहां तक पावर हाउस की बात है, तो ये पावर हाउस मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, जिनकी पूरी 100% सपोर्ट मिलता है, जिसके बल पर मैं ये सब कर पाती हूँ। मैं एक लंबे समय से बीमार थी, तब भी मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी सारी महत्वाकांक्षाओं और मेरी सारी इच्छाओं का वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुम जो करना चाहते हो तुम आगे बढ़ो, हम लोगों का पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। 2018, इसमें आप काफी काम किए, महिलाओं के लिए ऊपर भी बहुत से काम किए, कोई एक ऐसा काम बताइए जिसको हम लोग हमेशा याद कर सके। 2018 तो बहुत सारी यादों का समंदर है, लेकिन उसमें से मैं एक मोती चुनना चाहूंगी, जो है पैडमैन चैलेंज। इसमें हम लोगों ने ये फिल्म से मुझे प्रेरणा मिली, जो कि अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत किया गया था। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब अक्षय कुमार एक पुरुष होकर इस फिल्म को इतनी प्रधानता के साथ, इतने मुख्य रूप से समाज में हमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए जब दिखा सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तो मैं महिला होकर क्यों नहीं अपने बीच की बहनों को, जो कि आज भी इस रूढ़िवादिता में जी रही हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परहेज है, हमारी बहुत परंपराएं हैं जो कि अभी भी बहुत रूढ़िगत है, उनको तोड़ने का मैं प्रयास करूं। और इसमें मैं बहुत हद तक सफल रही और आज भी ये प्रयास अनवरत जारी है। और इसमें मैं द टाइम्स मीडिया का भी सहयोग मांगना चाहूंगी और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो भी इसमें हमें सपोर्ट करें ताकि ये और भी चले और अंतिम महिला जो इससे अभी तक वंचित है उस तक हम लोग इसका जागरूकता और इसका लाभ पहुंचा पाए। प्रगति जी, पिछले कई महीनों से आप बहुत चर्चित रहे हैं, खासकर समाज सेवा करते हुए। उसमें एक पैडमैन भी था और दूसरा एक था शक्ति ऐप, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि दोनों में क्या ऐसा चीज आपको अच्छा लगा? ये दोनों ही मेरे इस 2018 की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैडमैन चैलेंज से शुरुआत हुई साल की और शक्ति ऐप पे साल का अंतिम पड़ाव है, लेकिन इस बीच मुझे वृद्धों की सेवा करने का भी मौका मिला और मैं बहुत ऐसे अनजान लोगों से मिली, अनजान वृद्धों से मिली, जो कई तरह के जानलेवा बीमारी से ग्रसित थे। किन्हीं के पांव में कीड़ा लगा हुआ था, उनके पांव पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, किन्हीं को परिवारों ने छोड़ रखा था, कोई फुटपाथ पर ठंड में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी सेवा करके मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली और मुझे बहुत खुशी हुई। प्रगति जी, झारखंड सरकार का 4 साल हो चुका है, सरकार में बहुत से चीज हम लोगों को दिया, बट उसमें से कोई ऐसा एक बताइए जो लोगों को काफी हेल्पफुल हुआ। ऐसे तो हिमांशु जी, सरकार के 4 साल काफी सराहनीय कार्य उन्होंने किए हैं, बहुत सारे ऐसी उपलब्धियां हैं जो गिनाया जाए तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मुझे मुख्य रूप से दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक, 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन, जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वो आर्थिक रूप से और अपने पारिवारिक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में आती हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक हर दृष्टिकोण से, वो है शक्ति ऐप, जिस पर हम लोगों ने बहुत सारा काम भी किया है, बहुत सारा वर्कशॉप भी किया है। और इसमें महिलाओं से जब मिलती हूँ और इस बारे में जब महिलाओं को जागरूक करती हूँ, तो बहुत उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि, सुरक्षा का भाव आता है और वो कहीं ना कहीं तहे दिल से सरकार को, पुलिस प्रशासन को अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा। अभी नेट का, इंटरनेट का जमाना है, लोग मेल पर, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर लोग पूरे दिन अपना समय टाइम करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसमें ये शक्ति पर एक ऐसा माध्यम है जो आप घर बैठे हुए भी आप दूसरों के सहायता कर सकते हैं। अपने घर में भी कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी आप लोगों से जुड़कर उनकी सहायता कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब महिलाओं का इसके प्रति इतना रुझान देखा, वो इतनी एक्टिव थी इसको, ऐप को डाउनलोड करने के लिए, और इतना वो जागरूक दिखी, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे इस कार्य में जुड़ के काफी अच्छा लग रहा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको इसके प्रति जागरूक करो और उनके हर किसी के फोन पे कम से कम एक शक्ति ऐप डाउनलोड जरूर करवाओ। 2019 आ रहा है जी, तो अभी नए साल में आपका क्या ऐसा
करने का इरादा है? 2019 में मेरी सबसे पहली कोशिश है, जो 2018 का मेरा मलाल रह गया है, कि जिन वृद्धों की मैंने सेवा की उनको मैं एक संसाधनों की कमी की वजह से मैं एक आश्रय नहीं दिला पाई, और जिसकी वजह से मुझे उनके इलाज और उनके सुचारू रूप से ठीक हो जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित करने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। तो मैं प्रशासन के सहयोग से, सरकार की मदद से चाहूंगी कि मैं एक ऐसा आश्रय स्थल बना पाऊं जहां पे मैं उनकी सेवा कर सकूं और उन्हें एक घर का माहौल दे सकूं। The Times Media.